नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। गढ़ाकोटा के गुंजौरा तिराहा पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल और उनके समर्थकों का स्थानीय लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने कांग्रेसियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हमले में 3 लोगों को चोटें आई हैं, इनमें से एक को सागर रेफर कर दिया गया। विवाद के बाद एक क्षेत्र में माहौल बना हुआ है। मौके पर कलेक्टर और एसपी भी पहुंच गए एहतियात के तौर पर। वहां 100 से ज़्यादा पुलिस के बल को तैनात किया गया है। हमले का वीडियो भी इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुआ है और इसके साथ ही इस वीडियो में उपद्रवी हाथ में डंडे लेकर गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले यानी कि 19 नवंबर को शाम 5:30 बजे रैली से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल पिछले दिनों ही भाजपा से कांग्रेस में आए मिंटू चौरा व अन्य समर्थकों के साथ गुंजौरा मोहल्ले में अपने समर्थक के घर गई हुई थी। उसके साथ 4 फोर व्हीलर गाड़ियों में अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इसी दौरान वहां पर मोहल्ले वालों से किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद घर के बाहर खड़े 4 पहिया वाहनों में स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पर कुछ कांग्रेसियों को भी इसमें पीटा गया। इसके अलावा काफ़ी देर तक तब हमलावर गाली गलौच करते हुए तोड़फोड़ करते रहे। ज्योति पटेल ने घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। ज्योति पटेल ने गाड़ियों में हो रही तोड़फोड़ का वीडियो भी अपने मोबाइल से बनाया और इस हमले के पीछे भाजपा प्रत्याशी गोपाल भार्गव, उनके भाई श्रीराम और बेटे अभिषेक भार्गव का हाथ बताया है। मौके पर गढ़ाकोटा पुलिस भी पहुंच गई, जिसने हमलावरों को वहां से खदेड़ा। इसके बाद जिला मुख्यालय सहित आसपास के थानों से अतिरिक्त बल को भी मौके पर बुला लिया गया। कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी मौके पर पहुंच गए। हमले में करीब 3 लोगों को चोटें आई हैं और एक को घायल बताया जा रहा है और उस घायल को सागर रेफर कर दिया गया। देर रात तक इस घटना के मामले में FIR लिखने की कार्रवाई जारी रही। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा, SDOP रैली, SDM सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वीडियो में दिख रहे हमलावरों की पहचान पुलिस करती रही। आरोपितों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है और इस पूरे मामले में विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान जो ये विवाद हुआ है उसको अब इससे जोड़कर देखा जा रहा है, यानी कि इस पूरे मामले को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसमें हमला हुआ है, जिस तरह से इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसे बहुत ही गंभीरता से देखा गया है और इसकी कांग्रेस की ओर से जो शिकायत दर्ज कराई गई है इस मामले में, उसके बाद अब पुलिस इस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।